ऑफ प्रिपेयरिंग द करिकुलम, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो इसमें यह है कि जब भी कोई करिकुलम प्रिपेयर किया जाता है तो वो एक स्टूडेंट जो चाइल्ड है उसके उसको सेंटर में रखकर, मतलब उसका पूरा ध्यान रख के बनाना चाहिए, उसकी एज, कैपेबिलिटी, पावर, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इन सबको माइंड में रख के इसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम प्रिपेयर करना चाहिए। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, कि जो भी करिकुलम में स्टडी मटेरियल, रीडिंग मटेरियल, कंसेप्ट या लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड किए जाएंगे वो इस तरीके के होने चाहिए जिसमें चाइल्ड को एक्टिव रहना पड़े, इससे चाइल्ड की एक्टिवनेस बढ़ती जाए और वो चीज़ों को सीखे लर्निंग बाय डूइंग हिमसेल्फ के अकॉर्डिंग। और अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट सेंटर्डनेस। इसमें क्या है कि जब भी करिकुलम प्रिपेयर किया जाए तो जो भी चाइल्ड का फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जो मेन एम होता है नॉलेज का, वो जो मेन एम होता है एजुकेशन का, वो ये होता है कि चिल्ड्रन को है ना उनके एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज दी जाए। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स का फिज़िकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट होगा उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम प्रिपेयर करा जाए। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स में स्किल्स और इंटरेस्ट डेवलप करे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, जिससे उनके ह्यूमन रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। जो एक कम्युनिटी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल का फ्यूचर बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करती है, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा स्टूडेंट्स में अपने कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के प्रति अटैचमेंट बढ़े और उसको प्रोग्रेस में हेल्प कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कि इसका मतलब ये है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें कोरिलेशन प्रिंसिपल फॉलो हो। कोरिलेशन का मतलब है बहुत सारी एक्टिविटीज़, स्टडीज़, ये सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट, ये सब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो करिकुलम को भी इन सभी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रखते हुए प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी स्टूडेंट का किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो वो उसमें कंसंट्रेशन भी करेगा, तो इसलिए एक करिकुलम इस तरीके का बनाना चाहिए जिसमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, या फिर वो करिकुलम स्टूडेंट में स्टडीज़ के लिए या जो भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है उनके लिए इंटरेस्ट डेवलप कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक क्लास में हर एक स्टूडेंट अलग होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, तो जो करिकुलम प्रिपेयर किया जाता है वो इस तरीके से करना चाहिए कि वो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को बैलेंस कर सके और इजीली प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि करिकुलम इस तरीके का प्रिपेयर करना चाहिए जिससे वो चाइल्ड को एक यूज़फुल पर्सन बना सके और वो सोसाइटी, फैमिली और कंट्री के लिए यूज़फुल साबित हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसर्निंग द नीड्स ऑफ हायर क्लासेस, कि जो है ना एक एजुकेशन होती है चाइल्ड की वो एक पर्टिकुलर लेवल पे एंड नहीं हो जाती, पहले वो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और फिर कॉलेज में आ जाता है, तो है ना जो एजुकेशन होती है वो चाहे जो स्मॉलर क्लासेस है उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए एजुकेशन का जो भी पैटर्न होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा भी होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि जो भी हायर क्लासेस में चैलेंजेस फेस करेंगे उनको वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर सके। देन है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। इसमें यह है कि स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि वो जब लाइफ में, फ्यूचर में उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है
उनको सॉल्व करने के लिए वो स्किल्स उनमें बहुत छोटी एज में डेवलप होनी शुरू हो जाए, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अवेबिलिटी ऑफ टाइम, कि करिकुलम इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल में कंप्लीट हो सके। देन है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें करिकुलम को 100% परफेक्शन के साथ बनाने की, लेकिन टाइम टू टाइम बहुत सारे करेक्शंस आते रहते हैं, वो चाहे किसी सोशल कंडीशन की वजह से आ जाए, कोई नई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आ जाए उसकी वजह से। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो टाइम और नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो सके, इसलिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन विद द टीचर्स, जो करिकुलम होता है वो टीचर्स के द्वारा ही बनाया जाता है, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टीचर्स से भी एक दूसरे से कंसल्टेट करें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोशल इकोनॉमिक्स या बहुत सारे वेरियस ब्रांचेस पे वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो एम्स ऑफ एजुकेशन को इजीली सेटअप कर पा रहे हैं या नहीं।